आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेस्टी पनीर कटलेट की रेसिपी। ये कटलेट बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और बच्चों को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि इन कटलेट में हम बच्चों की पसंद की वेजीज डालेंगे। और हेल्दी इसलिए है क्योंकि बहुत सारी वेजीज और पनीर से बन रहा है। फिर चाहे आप इन्हें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनाइए, लंच, डिनर, पार्टी या ट्रेवल किसी भी बनाकर इंजॉय करिए, सबके लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है ये। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट करे ये हेल्दी कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल में उबली और मेस करी हुई आलू को लिया है। फिर इसमें आधा कप कटा हुआ प्याज डालेंगे, आधा कप हाफ बॉइल्ड मटर डालेंगे, यानी कि इन्हें थोड़ा उबाल कर डाला है मैंने। आधा कप ही उबले हुए मक्के के दाने यानी कॉर्न डालेंगे और अब डालेंगे सबसे मेन चीज यानी कि आधा कप ग्रेट करा हुआ पनीर। साथ ही थोड़ी हरी धनिया डाल देते हैं। फिर इसमें तीन हरी मिर्च को काट कर डालेंगे। अब डालेंगे आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच के करीब गरम मसाला डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे, बाकी नमक तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और अब इन सभी चीज़ों को एकदम बढ़िया से मिला देंगे। बढ़िया से जब ये मिल जाए तब इसका थोड़ा मिक्सचर लेकर हाथों से गोल गोल करके फिर चपटा करके लंबा करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह। बाकी आप अपने हिसाब से किसी भी तरह का जो भी आपको पसंद हो वो शेप दीजिएगा, बिकॉज सभी शेप में टेस्ट तो एक ही जैसा रहेगा, टेस्ट कहाँ जाने वाला है। तो यहाँ सभी कटलेट तैयार है। तो अब क्या करेंगे, एक बाउल में आधा कप कॉर्नफ्लोर डालेंगे, साथ ही एक तिहाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच पिज्जा सीजनिंग डालेंगे। अब डालेंगे एक तिहाई चम्मच नमक और डालेंगे हल्का पानी। अब इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे। फिर क्या करना है, एक कटलेट को लेकर इसमें डिप करेंगे, फिर इसे इसमें से निकाल कर ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और ब्रेड क्रम को कटलेट के ऊपर अच्छे से लगा देंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ सभी कटलेट तैयार हैं और अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो पैन में मैंने तेल को मीडियम गरम कर लिया है। फिर इन कटलेट्स को इसमें डालेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे। जब ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन से नज़र आने लगे तब क्या करना है, इन्हें पलट देना है और इस तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और अब ये एकदम बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। और ये लीजिए एकदम क्रिस्पी क्रंची हेल्दी और टेस्टी ये पनीर कटलेट बनकर तैयार हैं। ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट ये पनीर कटलेट बनाकर आप जरूर से ट्राई करें। और रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। बाय बाय।